ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में दायर की है याचिका। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, कोर्ट ही सही गलत का फैसला करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच ताजमहल का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग। दिल्ली के शाहीन बाग में आज चल सकता है बुलडोजर। जसोला नहर से कालिंदे कुंज पार्क तक हो सकती है अतिक्रमण पर कार्रवाई। जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सांसद नवनीत राणा की बढ़ सकती है मुश्किलें। राणा दंपति की जमानत को चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार। राज्य सरकार का आरोप, राणा दंपति ने जमानत की शर्तों का किया उल्लंघन। आज दायर करेगी याचिका। कुलगाम एनकाउंटर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर के पाकिस्तान हैंडलर समेत 2 आतंकी ढेर। 2 साल से ज्यादा समय से घाटी में सक्रिय था पाकिस्तानी हैंडलर। बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द। आरजेडी का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, आयोग का नाम बदलकर बिहार लोक पेपर लीक आयोग रख दें। पंजाब पुलिस के खिलाफ दर्ज अपहरण केस में बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा का बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। आज द्वारका कोर्ट में दर्ज होगा बयान। 2 दिन के असम दौरे पर देर रात गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन से पहले भारत बांग्लादेश सीमा पर जाएंगे गृह मंत्री। झारखंड अवैध खनन मामले में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार से ईडी ने 12 घंटे तक पूछताछ की। 17 करोड़ कैश के सोर्स को लेकर ईडी ने दोनों से किए सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध का 75वां दिन। मॉस्को में होगा विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे से पहले अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जर्मन संसद की अध्यक्ष पहुंचे यूक्रेन।